आपका क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए माइनस वन कॉमा थ्री, बी वन कॉमा माइनस वन एंड सी 5 कॉमा 1। नाउ तो ये देखो इसने क्या कहा कि एक ट्रायंगल है, तो दिस इज योर ट्रायंगल। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। तो इसने जो भी कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस दे रखे हैं दे आर ए बी एंड सी। अब देखो इसके क्या है, ए इज -1.3, बी इज 1.-1 एंड सी इज 5.1। नाउ इसने क्या कहा देखो, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द मीडियन। तो मीडियन क्या है आपका देखो, दैट मीन्स इट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन टू टू इक्वल हाफ्स। तो दैट मीन्स इसका मिड पॉइंट इज दिस एंड इसका मिड पॉइंट इज दिस एंड ये मिड पॉइंट है। तो वी विल मेक अ लाइन फ्रॉम हियर टू हियर, तो दिस इज वन मीडियन। तो ये पॉइंट इज योर डी पॉइंट, नेक्स्ट इज योर दिस इज योर ई पॉइंट, और ये देखो आपका क्या है, दिस इज योर एफ पॉइंट। ठीक है, नाउ इसने कहा वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। ठीक है, नाउ तो इसके अंदर देखो आपके क्या क्या चीज लगेंगे। अगर ये मीडियन है तो इट्स अ मिड पॉइंट, दैट मीन्स इट डिवाइड्स बी सी इंटू टू इक्वल हाफ। तो इसके अंदर आपके दो फॉर्मूले लगेंगे, फर्स्ट इज योर मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हमारा क्या है देखो, एक्स इज इक्वल टू x1 + x2 बाई टू और वाई इज इक्वल टू y1 + y2 बाई टू। तो दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स योर डिस्टेंस, क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालना है, लेंथ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो हम लिखते हैं, दैट इज योर रूट अंडर x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। नाउ अब देखो हम मिड पॉइंट निकालेंगे डी का, तो डी की कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे देखो, 1 + 5, एक्स का पहले 1 + 5/2 एंड वाई का क्या होगा देखो, -1 + 1 - 1 + 1/2। दिस इज इक्वल टू 5 + 1 = 6, 6/2 = 3 और वाई क्या हो गया आपका, -1 + 1 = 0। तो ये हो गया आपका 3.0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए 3.0। नाउ ई का निकालो, तो ई के क्या है देखो, ई के एक्स इज इक्वल टू 5 - 1, 5 - 1/2 एंड वाई क्या है देखो, 1 + 3, 1 + 3/2। तो 5 - 1 = 4, 4/2 = 2, कॉमा 1 + 3 = 4, 4/2 = अगेन 2, तो 2.2। तो इसके ई के कोऑर्डिनेट्स इज 2.2। नाउ एफ का निकालो, तो एफ के हमारे क्या है देखो, -1 + 1, एक्स इज इक्वल टू -1 + 1/2 एंड वाई इज इक्वल टू 3 - 1, 3 - 1/2। तो दिस इज इक्वल टू 0, 3 - 1 = 2, 2/2 = 1, तो 1, 0.1। तो दिस इज योर 0.1। नाउ अब आपको मीडियंस निकालने, दैट मीन्स उसके लेंथ। तो फर्स्ट इज योर ए डी,
तो एडी क्या है आपका, देखो रूट अंडर थ्री माइनस ऑफ माइनस वन इज प्लस वन, तो थ्री प्लस वन होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस थ्री, जीरो माइनस थ्री होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू थ्री प्लस वन इज फोर, फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन प्लस माइनस थ्री स्क्वायर इज नाइन, तो ये देखो आपका क्या आ गया ट्वेंटी फाइव, रूट ट्वेंटी फाइव दैट इज इक्वल टू फाइव यूनिट, एडी इज फाइव यूनिट। नाउ आप निकालते हैं बीई, बीई इज इक्वल टू रूट अंडर, देखो क्या है आपका टू माइनस वन, टू माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू माइनस ऑफ माइनस वन इज प्लस वन, टू प्लस वन होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू नाउ टू माइनस वन इज वन, वन स्क्वायर इज वन प्लस टू प्लस वन इज थ्री, थ्री स्क्वायर इज नाइन, दिस इज इक्वल टू रूट टेन यूनिट। नेक्स्ट कम्स योर सी एफ, तो ये देखो आपका सी एफ है, सी एफ इज वॉट, देखो जीरो माइनस फाइव, जीरो माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, वन माइनस वन होल स्क्वायर, तो वन माइनस वन इज जीरो, तो माइनस फाइव होल स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव, तो रूट ट्वेंटी फाइव दैट इज इक्वल टू फाइव यूनिट। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये तीनों मीडियंस निकालने हैं। ठीक है।